भारत में एक संविधान पर सबको चलना पड़ेगा, हरी चुनरिया और हरे पहाड़ में, तब तुझे बच्चा नहीं याद आया और अब अचानक से तुझे बच्चा याद आ गया। क्या नाम है उसका? रसगुल्ला? नहीं, नसरुल्ला। मैं भी आऊंगा भारत। भारत क्या तेरे बाप का है? सना खान ने अपने बच्चे का नाम तारिक जमील रखा है। सना खान को अगर कोई मुफ्ती और मौलाना अगर अहमियत रखता है तो वो पाकिस्तान का 72 वर्जिन हूरों का डिस्क्रिप्शन देने वाला तारिक जमील वैल्यू करता है। मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद है। क्यों? तवायफ को बेटी कहता है। वाह भाई वाह। मैंने कहा मैं लाहौर में हूँ, मिल सकती हो आगे? डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूँ, चाहे लेट भी हो तो आ जाना। मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई। कैसे? तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया। हलवा पकाए। हमारे भारत में जितने भी ये दाढ़ी टोपी वाले जो अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, उनके मुंह पे सना खान ने थूक दिया है। मैं उनके साथ 2 घंटा कम से कम बैठी होंगी। कि मौलाना तारिक जमील साहब तेरे जैसी लड़की को फोन करेंगे? A few moments later, मौलाना के जो एक तवायफ को बेटी कहता है। होता है ना, हम आज की तारीख में हमको ऐसा था शाहरुख खान मिल जाए यार, मतलब मुझे सफेद पसंद है, जिंदगी गुजर गई सफेद कुर्ते शलवार में। पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर से जब मिलती है तो उनको अल्लाह दिखाई देता है और उसको देखते बराबर ही दोनों आंखों में दिल आ जाता है ना। लड़कियों का यह है ना मसला, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमारे साथ है नाजिया मैम। तो मैम सबसे पहले आपको नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके किटकैट्स को मेरा नमस्कार। मैम अभी जो पहले चला था कि सोशल मीडिया पर जो सीमा हैदर है वो इधर आ गई थी और अंजू उधर चली गई थी, पता नहीं अचानक क्या हुआ कि अंजू के मन में क्या आया, वो वापस आ गई है, अपने बच्चों की याद आ गई। और एक तरफ ये लोगों को थोड़ा मतलब मजाक वाली बातें लग रही होगी, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ी जो अवेयरनेस है वो बताइए कि ये चीजें फनी नहीं है और किस तरीके से हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए भी एक चुनौती है। मैं देखो अपने स्टेटमेंट पर मैं स्ट्रिक्ट हूँ। अंजू 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर आई है ISI से और जिस हिसाब से पूरी एक मंडली भारत में जमा हो रही है, सीमा गुलाम हैदर बोलो या सीमा का पति, सीमा का खाविन, सॉरी, लोगों के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ना। भारत में पति है और पाकिस्तान में खाविन है, शौहर है, तो किसी को एक नहीं मिलता, इनके पास तो ढेर है पड़ा हुआ। तो सीमा के जो खाविंद हैं वो भी अब UAE से पाकिस्तान आ गए हैं और भारत का वीजा लगाए हैं, वो भी भारत आना चाहते हैं। इधर अंजू के जो खाविंद हैं पाकिस्तान वाले, नसरुल्ला रसगुल्ला, वो भी भारत आना चाहते हैं और अंजू उसको बुलाना भी चाहती है। डेफिनेटली बहुत सीरियस बात है और हम लोगों को बहुत सोचने वाली बात है। भारत की सुरक्षा जो है वो दांव पे लगी है। पहले क्या होता था ना, किट्टू के अजमल खसब आता था, समुंदर के रास्ते से आता था, गारों के रास्ते से आता था, तारों के नीचे से आता था, गुफाओं के पीछे से आता था। अभी क्या हो गया है कि नवाज शरीफ आया है और हाफिज सईद, जैसे जैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट के को गोली दागी जा रही है और उनको 72 वर्जिन हूरों के पास अल्लाह को प्यारा किया जा रहा है और भेजा जा रहा है जन्नत में अय्याशी करने के लिए एज पर द स्टेटमेंट ऑफ मुफ्ती तारिक मसूद, तो अब इनकी नींद उड़ चुकी है। बड़ा नवाज शरीफ जो है अब वो लौट कर आया है और एक नई स्ट्रेटजी के साथ आया है। इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा कि 9 साल की तरक्की भारत की पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, अरे भारत के कंटेंट दिखा रहे हैं ये यूट्यूबर्स, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान में। नहीं नहीं नहीं, ये जा करके हर एक लोगों को आगाह कर रहे हैं कि देखो भारत कितना डेवलप कर चुका है, भारत की GDP 7.6% आज पहुंच गई है और भारत के रिलेशन जो है वो पूरी दुनिया से इतने अच्छे हो चुके हैं, भारत की इकोनॉमी थर्ड पोजिशन पर पहुंचने वाली है। ये एक एक चीज का इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के ये यूट्यूबर सबको जा करके बांटते रहते हैं और पाकिस्तान के यहाँ से ये जो बॉर्डर है इसको सर्कस का मैदान बना दिया गया है, रिश्तों को मदारी का खेल बना दिया गया है और ममता को बाजार में कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। एक माँ है सीमा गुलाम हैदर जो बच्चे की जान को जोखिम में डाल करके भारत चली आई है, किसके पास? सचिन मीना के पास। और सचिन ने ऐसे सचिन जो 7,000 की नौकरी करता था किसी मोदी दुकान में, उसको सारी बातें पता है कि कैसे कैसे बस पे बिठाना है,
कैसे टैक्सी पे बैठाना है, कैसे गाड़ी में बैठाना है, कैसे नए सिम कार्ड दिलवाने हैं सीमा को रास्ते में। और अब एक अंजू है, जा रही थी जींस पैंट और टॉप में चहकती हुई, लेकिन रिटर्न जब आई है तो काले काले टेंट में, हिजाब में और बिना कोरोना वायरस के पूरा मास्क में और लिपटी हुई एक शॉल में। मुंह क्यों छुपा रही है? जिसके दिल में चोर होता है, जिसकी नीयत में चोर होता है, जिसके दिमाग में चोर होता है, जिसके जिसके आने वाले प्लान में चोर होता है ना, वो मुंह छुपाता है। अदरवाइज मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी ममता है जो 5 महीने मोहब्बत में सो गई थी, हरी चुनरिया में फिल्म शूट हो रहा था, हरी हरी चुनरिया में हरे हरे बागों के साथ और पहाड़ों पर बड़ा बड़े और नहरों के साथ बड़ी शूटिंग चल रही थी, हनीमून मनाया जा रहा था, किटी पार्टी किया जा रहा था, लौंडों के साथ बैठ करके, मर्दों के साथ बैठ करके डिनर किया जा रहा था, तोहफे तोहाइप लिए जा रहे थे, और एक ब्लू कलर का थैला लेकर के मुंह छुपा करके रिटर्न आ रही हो? क्यों क्या बात है? 5 महीने के बाद अचानक से बच्चा याद आ गया? कैसे याद आ गया? मैं तो खुद एक माँ हूं, मुझे तो मेरा बेटा 5 महीने के बाद नहीं याद आता है, इन एवरी 5 मिनट याद आता है। हर 5 मिनट के बाद मुझे मेरा बेटा याद आता है और मैं उसको फोन लगा करके उससे बात करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ। तो आपका बच्चा आपको 5 महीने के बाद क्यों याद आया है? आप कैसी महिला है? आपके पास 2 पति, सीमा के पास 2 पति, एक पति परमेश्वर है और एक खाविंद है, मिजाजी खुदा है दोनों के पास। मतलब क्या चल रहा है? मतलब पति बनाओ कोई क्विज चल रहा है क्या? और ये कैसी औरतें हैं जिनको फेसबुक पे और सोशल साइट पर पति मिल जाते हैं और ये भाग भगोड़ करके सरहद पार करके चली जाती हैं? देखिए, ये बहुत सीरियस इशू है किट्टू। भारत की सुरक्षा को दांव पे लगाया जा रहा है, कुछ ना कुछ खूनी खेल का एक ख्याली प्लाव तो पक रहा है पाकिस्तान में, जिसकी शुरुआत जो है बहुत दिन पहले ही हो गई थी, जिस पर किसी ने शायद गौर नहीं किया, जिस पर किसी ने शायद नजर नहीं डाला। अचानक से एक दिन हमने देखा कि बिकिनी में नाचती कूदती दौड़ती हुई एक मामूली सी फिल्म एक्ट्रेस, एक तुच्छी सी फिल्म एक्ट्रेस सना खान अबाया में और बोरका में और पूरे हिजाब में हम लोगों को नजर आई। बिग बॉस में जो वो काफी सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी और बिग बॉस में जिस हिसाब से वो अश्लीलता का बाजार खोल कर बैठी थी, और उसके बाद भी कई सोशल साइट पर उसने अश्लीलता का बाजार खोल कर बैठा था, और अचानक से हमने देखा कि उसके ऊपर अल्लाह का जिन सवार हो गया और प्रॉफिट मोहम्मद के स्लीपर सेल्स के साथ उनका उठना बैठना स्टार्ट हो गया। हम तो दंग हो गए कि भाई अचानक से कोई इतना व्हाइट से ब्लैक और ब्लैक से व्हाइट कैसे हो सकता है? एक मामूली से मुफ्ती, जिसको वो पहले भाई बोलती थी, भैया बोलती थी, फिर उसको सैया बना ली, और उसके बाद फिर एकदम प्योर विथ पूरा प्लास्टिक सर्जरी और पूरा मेकअप और पूरा हराम का पूरा लिबादा ओढ़े हुए वो एक नकाब में अपने आप को मुसलमान कहती है। सिर्फ नकाब पहन लेने से लोग मुसलमान नहीं होते, ये जो वो अपने चेहरे पर 5 kg हराम मेकअप लगाती है ना, ये इस्लाम नहीं इजाजत दे रहा है। सना खान जो इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपने चेहरे को बना कर रखी हुई है ना, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता है। ये जो YouTube से वो हराम का पैसा कमा रही है ना, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता है। वो मक्का मदीना में जा करके जो फोटो खींच रही है ना, इस चीज की इजाजत इस्लाम नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है इस चीज की इजाजत इस्लाम। अगर मक्का मदीना में फोटो लिया ही जा सकता, अगर हज करते वक्त फोटो लिया ही जा सकता, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद की भी तो कोई तस्वीर होती ना, तो फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी तो कोई तस्वीर होती ना, तो फिर ऐसे लोगों को जेल करना और गुस्ताखे रसूल की सजा सुनाया क्यों जाता है, जो लोग बेचारे प्रॉफिट मोहम्मद के स्केच बना देते हैं? तो आप भी तो मक्का मदीना में जाकर के फोटो खींच रही हैं, आप तो इस्लाम का मजाक उड़ा रही हैं, और आप पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर गैर महरम के साथ बैठ करके आप कान में काना फूसी भी कर रही हैं ऐसे करके क्यों? मतलब भारत में जितने भी ये उलमा और उलूम है, खारी है, मुफ्ती है, इमाम बुखारी है, मौलाना साजिद रशीदी है, महमूद मदनी है, ये सब चाय कम पानी है सना खान के लिए। ये सब का कोई वकार नहीं है सना खान के सामने, कोई रुतबा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सब पैर का चप्पल है सना खान के लिए। सना खान के लिए अगर कोई वैल्यूबल है, सना खान को अगर कोई मुफ्ती और मौलाना अगर अहमियत रखता है,
तो वो पाकिस्तान का 72 वर्जिन हूरों का डिस्क्रिप्शन देने वाला तारिक जमील वैल्यू करता है। हमारे भारत में जितने भी ये दाढ़ी टोपी वाले जो अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, उनके मुंह पे सना खान ने थूक दिया है। ये जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, ये जितने भी उलमाए हिंद वाले हैं, ये जमायतुल उलमा वाले हैं, ये शाही इमाम हैं टीपू सुल्तान मस्जिद के और जामा मस्जिद के, ये सबके चेहरे पर सना खान ने थूक दिया है। क्योंकि सना खान ने अपने ट्वीट में बताया है कि वो तारिक जमील पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर से जब मिलती हैं तो उनको अल्लाह दिखाई देता है। सिर्फ चप्पल उठा करके भारत के मौलाना को मारा नहीं है सना खान ने, थूका है पहले चप्पल में और उसके बाद फिर मारा है कि तेरी कोई औकात नहीं है मेरी नजर में, जो औकात 72 वर्जिन हूरों के सरदार तारिक जमील की है सना खान के नजर में। क्योंकि तारिक जमील से जब सना खान मिलती है तो उसको अल्लाह नजर आता है और अल्लाह नजर आने के बाद एक सीनियर तारिक जमील इस्लामिक प्रीचर जो 72 वर्जिन हूरों का जिक्र करते करते कितने आतंकवादियों को पैदा कर चुका है पाकिस्तान में और भारत में, और वही जूनियर तारिक जमील अब भारत की धरती में जन्म ले चुका है सना खान के कोख से। सना खान ने अपने बच्चे का नाम तारिक जमील रखा है। मैं सोच में पड़ जाती थी कि मुफ्ती तारिक मसूद सना खान की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। वो इस ये भारत में है, भारत के मौलाना तारीफ करेंगे ना भाई, ये पाकिस्तान के मौलाना इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं इसकी। फिर मैं सोच में पड़ती थी कि भाई इसका पति तो जो पहले भैया था फिर सैया बन गया अनस। आप यकीन नहीं मानोगे मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। ये तो एक मुफ्ती है मामूली सा, तो इसकी कितनी आमदनी होगी 50,000 लाख रुपए, चलो ठीक है 1.5-2 लाख रुपए, मैंने इतना भी, हालांकि मुफ्तियों की इतनी सैलरी होनी नहीं चाहिए और अगर है तो वो शक के रडार में आना चाहिए, तो चलो मैंने 2 लाख भी मान लिया। पर बिजनेस क्लास में ट्रैवल, लुई विटॉन का बैग, बर्बेरी का पर्स, कभी लंदन कभी अमेरिका का ट्रैवल, कभी पेरिस कभी सिडनी का ट्रैवल, कभी हनीमून लंदन में कभी पेरिस में, चलिए हज कर ले रही हैं आप, आपको कोई कोई मदद कर दे रहा होगा या आप अपने हराम यूट्यूब की कमाई से आप हज कर ले रही हैं, चलिए ये भी मान लेते हैं। पर ये लग्जेरियस लाइफ, ये 3 BHK 2 BHK फ्लैट सना खान के पास, ये सारी चीजें कौन मुहैया करके दे रहा है। क्योंकि भारत के मौलाना और मुफ्ती को तो आपने चप्पल में थूक करके मार दिया है, क्योंकि आपकी नजर में तारिक जमील ही अल्लाह का चेहरा है, तो आपने मेरे अल्लाह को तो डिफेम किया ही किया, सना खान ने मेरे अल्लाह को डिफेम किया है और साथ साथ भारत के तमाम मुफ्ती और मौलाना को थूक करके चप्पल से मारा है। लेकिन ये लग्जेरियस लाइफ के पीछे क्या राज है, ये खोलना बहुत जरूरी है। इसलिए खोलना बहुत जरूरी है क्योंकि सना खान कोई माधुरी दीक्षित नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में, सना खान कोई कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में, एक टुच्ची सी चवन्नी एक्ट्रेस थी जिसको सलमान खान ने बिग बॉस में चांस दिया था और वहां से वो हाईलाइट होने के बाद वो थोड़ी सी रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड फेस हुई थी। मैं भारत में भी बैठे हुए उन तमाम लोगों से मैं शिकायत अपनी रखना चाहती हूँ कि आप कैसे लोग हैं जो ऐसे देशद्रोही लोगों के साथ आप सेल्फी लेने चले जाते हैं। मनोवर फारूकी को फिर से सलमान खान ने बिग बॉस में बुलाया है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, भूल गए लोग भगवान को रिस्पॉन्स कर, वो गाना कैसा है ना, शायद भूल गए, मैं याद दिला देती हूँ, ये वही मनोवर फारूकी है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, जिसने भगवान राम को बेइज्जत किया था। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया अपने लाफ्टर शो में, सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। ये वही मनोवर फारूकी है जिसने सीता माँ को डिफेम किया था, बेइज्जत किया था। If your husband is a wife, you're updating my husband, bitch. अपने लाफ्टर शो में। ये वही मनवर फारूकी है जिसने गोधरा में जो ट्रेन के अंदर सनातनियों को और हिंदुओं को जलाया गया था, तो इसने इसने अपने लाफ्टर शो में कहा था, ये मनवर फारूकी ने, हिंदू तो मरने के बाद जलते ही है, तो मरने से पहले जल गए तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टर बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। ये मनोवर फारूकी बोला था। और ऐसे ऐसे अभद्र लोगों को, ऐसे ऐसे बदतमीज लोगों को, ऐसे ऐसे देशद्रोही लोगों को सलमान खान बिग बॉस में भेजता है और इन लोगों को रिनाउंड करने की कोशिश करता है।
तो कहीं ना कहीं एक पूरी टीम, सीमा, गुलाम हैदर, अंजू, गुलाम हैदर सीमा का पति, क्या नाम है उसका, रसगुल्ला नहीं, नसरुल्ला, नसरुल्ला, मैं उसको रसगुल्ला बोल देती हूँ, नसरुल्ला, उसके बाद फिर ये सना खान, अनस खान, मुनव्वर फारूकी, ये पूरी पाकिस्तान की एक टीम जमा हो रही है भारत में। जैसे पहले होता था ना, अजमल कसब आता था, उससे पहले 4-5 लोग, 8 लोग, 10 लोग आते थे, कोई पंचर की दुकान में काम करते थे, कोई चाय वाले की दुकान में काम करते थे, कोई रेड़ी लगाते थे, कोई आइसक्रीम वाला बन जाता था, कोई टैक्सी वाला बन जाता था, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र के ताज पर अटैक हो जाता था, उसके बाद फिर पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता था, उसके बाद फिर 93 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था। तो अब क्योंकि वो मॉडर्न जमाना हो गया है, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो भारत की तरक्की से जल करके बहुत सारे लोगों की एक टीम बना रहा है। वो टीम बनाने के बाद आने वाले साल 6 महीने में कुछ बहुत बुरा करने का अंदेशा और खदशा मुझे तो नजर आ रहा है। अदरवाइज ऐसी क्या बात है कि सना खान को भारत के मौलानाओं में अल्लाह नजर नहीं आया? ऐसी क्या बात है कि भारत के मौलाना और खारियों में, भारत के इमाम और मुफ्तियों में सना खान को एक भी नाम पसंद नहीं आया जो वो अपने बेटे का रख सकती थी? ऐसी क्या बात है कि सना खान कभी भी इमाम बुखारी से मिलने नहीं गई, सना खान कभी भी साजिद रशीदी से मिलने नहीं गई, सना खान कभी भी महमूद मदनी से मिलने के लिए नहीं गई, लेकिन सना खान बार बार तारिक जमील से मिलने के लिए गई? आखिर ऐसी क्या बात है कि भारत के महमूद मदनी ने कभी सना खान की तारीफ नहीं की? आखिर ऐसी क्या बात है कि इमाम बुखारी ने सना खान की कभी तारीफ नहीं की, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान के, वो उसकी बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की है। अपने बेटे का नाम सना खान ने जिस इस्लामिक प्रीचर, पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर, देखिए मैं इसमें बीच में एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ कि अभी जो लारैब हाशमी ने जो एक बस कंडक्टर का गला रेता था लबैक लबैक कहकर, वो 6-6 घंटे पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर का ही यूट्यूब पर सुनता था, और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है, सना खान ने एक ऐसे पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा है जो 135 फुट की हूरों का डिस्क्रिप्शन देता है, जो ये कहता है कि उसके घुटने तक का शरीर केसर से बना है, और घुटने से थाई तक का शरीर दूध से बना है, और थाई से लेकर के बूब्स तक का शरीर जो है वो शहद से बना है, और गर्दन से लेकर के चेहरा जो है वो नूर से बना है। ये वो डिस्क्रिप्शन देता है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सना खान के अल्लाह नुमा, नाउजो बिल्ला, अल्लाह माफ करे, अल्लाह नुमा तारिक जमील कह रहे हैं अपनी स्पीच में, ये मैं नहीं कह रही। यहाँ तक के तारिक जमील ने ये भी कहा है कि वो 135 फुट की 72 हूरें अगर सूरज के ऊपर अपनी उंगली रख देंगी तो वो सूरज गायब हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है, अभी तक कोई मतलब किसी ने उंगली रखवाई नहीं है क्या जो सूरज गायब नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा है कि हमारा इसरो गया है ना सूर्य पर, तो तारिक जमील को साथ में ले जाना चाहिए था, वहां हूरे ढूंढ लेता, गायब करवा देता। यही सना खान के अल्लाह नुमा इस्लामिक प्रेचर तारिक जमील, इन्होंने कहा है कि इनके रात में सपने में एक हूर आई थी इनके, और उस हूर ने कहा कि मेरी उंगलियां चूसो, ये मैं नहीं कह रही हूं भैया, ये वर्ड तारिक जमील ने इस्तेमाल किया है, मेरी उंगलियां चूसो, और तारिक जमील ने उंगलियां मुंह के अंदर ले लिया और चूसा, और चूसने के बाद जब वो सुबह नींद से उठा तो वो शहद का मजा उसके मुंह में था। ये चूसने चुसाने वाले अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला अल्लाह नुमा तारिक जमील सना खान का, ये 72 वर्जिन हूरों का मजा और अश्लीलता का बाजार खोलकर बैठता है, और मुसलमान युवाओं को पाकिस्तान से लेकर के भारत तक वरगलाता है, जिहादी बनने पर, टेररिस्ट बनने पर, रेडिकलाइजेशन करने पर, एक्सट्रीमिस्ट बनने पर, कि तुम मरोगे और मारोगे काफिरों को तो तुमको जन्नत में 72 वर्जिन पूरे मिले। ये सना खान का अल्लाह नुमा, नाउजो बिल्ला, अल्लाह नुमा तारिक जमील है। अब मैं पूछना चाहती हूँ भारत के हर उस व्यक्ति से
कि चले मैं मान लेती हूँ कि आपको नहीं पता था, लेकिन इस वीडियो के बाद तो आपको पता चल गया। तो सना खान के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए भारत के कितने सनातनी मेरे साथ में खड़े होंगे, सना खान के ऊपर इंटरोगेशन स्टार्ट करवाने के लिए भारत के कितने सनातनी मेरा सपोर्ट करेंगे, सना खान के इस निर्णय पर कि उसने अपने बेटे का नाम पाकिस्तानी इस्लामिक प्रिचर 72 वर्जिन हूरों का की अश्लीलता का बाजार खोलने वाला तारिक जमील के नाम पर जूनियर तारिक जमील जो रखा है, इसके इसके ऊपर कितने सनातनी मेरे साथ न्यायपालिका जाने को तैयार है। ये क्या हो रहा है? हम जैसे राष्ट्रवाद लोग, हम जैसे भारत के नागरिक लोग संविधान हाथ में ले करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपनी इज्जत आबरू को ताक पर रख करके, रोज गालियां सुन करके भारत की धरती के लिए, इस भूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए मरे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन किए जा रहे हैं, और एक नाचने गाने वाली अचानक से निकाब पहनेगी और उसके बाद फिर पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर के नाम पर अपने बेटे का नाम रखेगी और हम चुपचाप बैठ करके तमाशा देखते रहेंगे। सवाल तो पैदा होता है ना, खुद को हिंदू कह देने से हिंदू नहीं हो जाते, खुद को सनातनी कह देने से सनातनी नहीं हो जाओगे, खुद को भारत का पुत्र कहने से कोई पुत्र नहीं हो जाता है, उसके लिए साबित भी करना पड़ता है। नाजिया अपने धर्म से मुसलमान है पर अपने हर एक काम से वो साबित करती है कि वो इस भारत को भारत माता मानती है। नाजिया ने जब 3 तलाक का निर्णय लिया और बेंचमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट लाया, तब भी नाजिया ने खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस धर्म की हूं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि भारत में एक संविधान सबको मानना पड़ेगा, भारत में एक संविधान पर सबको चलना पड़ेगा। फिर ये घर में बैठ करके इस भारत की धरती से ये सारी औरतें पाकिस्तान के तारिक जमील से मिलेगी, पाकिस्तान के तारिक मसूद इसकी तारीफ करेंगे, ये लोग पाकिस्तान से रिश्ता रखेंगी और जब 26/11 होगा तो फिर सरकार पर उंगलियां उठाई जाएंगी। और सरकार ने कुछ देखा नहीं। भैया दावत तो तुम ही लोग दे रहे हो, तुम क्यों जाते हो सेल्फी लेने के लिए, तुम क्यों लेते हो इंटरव्यू उसका, तुम इंटरव्यू और अगर लेते हो तो उस इंटरव्यू में पूछते क्यों नहीं हो कि भारत का एक भी मौलाना इस काबिल नहीं था कि आप अपने बेटे का नाम भारत के मौलाना के नाम पर रखती, आपने पाकिस्तान के इस्लामिक प्रेशर के नाम पर क्यों रखा अपने बेटे का नाम, और आपका क्या संबंध है तारिक जमील से, आपका क्या लेना देना है तारिक जमील से, क्या बात है, आपकी ये लग्जरियस लाइफ कैसे चल रही है, कुछ नहीं पूछा जाएगा और भारत को खतरे में डाल दिया जाएगा। मतलब 9 साल में बम नहीं फूटा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं खुजली मच रही है, 9 साल में कोई टेररिज्म अटैक नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या, 9 साल में पार्लियामेंट में कोई टेररिस्ट नहीं घुसा है तो दिक्कत हो रही है क्या, सर में दर्द हो रहा है क्या, 9 साल में भारत बहुत तरक्की कर रहा है तो हजम नहीं हो रहा है क्या, अरे मुसलमान नहीं जागेंगे, भारत के मुसलमान इन सब बातों पे क्यों आवाज उठाएंगे, भारत में ऐसे मुसलमान अभी भी जीवित हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जिनका रोम रोम पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जो पाकिस्तान के रोने से वो भी रोते हैं और पाकिस्तान के हंसने से वो भी भारत में बैठ करके हंसते हैं, ऐसे मुसलमान हैं इस भारत में जो खाते भारत का है, सुकून से रहते भारत में पर दिल में मोहब्बत पाकिस्तान के लिए है, लेकिन 82.7% सनातनी वो कब आवाज उठाएंगे, वो कब जागेंगे, क्या है ये, ये 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 सर्कस चल रहा है कि अंजू जाएंगी हरी हरी चुनरिया का शूट करेंगी और फिर चली आएंगी, सीमा आकर के सीमा गुलाम हैदर सीमा भाभी बन जाएंगी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। भारत में जूनियर तारिक जमील हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, काम तो बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल मैम, जूनियर और सीनियर तो मुझे लगता है एक ही पीढ़ी में होते हैं और वो उनको क्या जरूरत पड़ी पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से हैं ये बाहर से हैं और फिर भी जूनियर सीनियर, मतलब मैंने देखा था पहले जो राजा होते थे वो लगाते थे ना अपने नाम के प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये पीढ़ी में चलता था, ये कौन सा मतलब वो लॉजिक लेकर आ गई मुझे समझ में नहीं आया। नहीं हमारे यहाँ भी होता है, मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, हमारे यहाँ भी जब बेटा होता है तो हम लोग बोलते हैं अरे जूनियर खान पैदा हुआ है, अरे जूनियर रहमान पैदा हुआ है, अरे जूनियर अहमद पैदा हुआ है, हम लोग भी कहते हैं, पर ये तो अलग अलग कंट्री से, लेकिन ये तो और वो भी एक ऐसी कंट्री जो जिसने हमेशा भारत का बुरा किया है और बुरा चाहता रहता है,
जिसके हर हर रोज कोई ना कोई एटीएस और सुरक्षा एजेंसी जो है वो पाकिस्तान से आए हुए स्लीपर सेल और हनी ट्रैप और आईएसआई एजेंट को अरेस्ट करती है। आपको पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा मुफ्ती नहीं मिला सना खान को जिस पर नाम रखा जा सकता था। करीना कपूर ने भी रखा था लेकिन तैमूर रखा था, ठीक है, वो मुगल में चली गई, चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट, तब भी हम बर्दाश्त कर लिए, हम खामोश हो गए। लेकिन तुम पाकिस्तान के ठरकी इस्लामिक प्रीचर, उसका तुम नाम रखी हो और तुम ये अपने ट्वीट में कह रही हो कि तारिक जमील से मिलकर के तुमको लगा कि तुम अल्लाह से मिल ली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे अल्लाह को मिलाया उस ठरकी मुफ्ती से, उस ठरकी मौलाना से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो अंजू का ये है कि वो ऐसे बोल रही है कि वो अपने बच्चों को लेने आई है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब सरकार उनके बच्चों को साथ भेज देगी पाकिस्तान में और उनके बच्चों का फ्यूचर मतलब क्या होगा आपकी नजर में? कुत्ता बिल्ली भी जब हम रोड में देखते हैं ना, तो जब बच्चा पैदा करता है ना तो कलेजे से सटा कर रखता है। रास्ते में हम जब पागल पागल लोगों को भी देखते हैं ना, जो पागल रास्ते में होते हैं, वो उनको भी अगर इंसिडेंटली बच्चा हो जाता है ना तो वो भी अपने कलेजे से लगा करके रखते हैं। तो प्यार का भूत उतर गया और ममता का भूत चढ़ गया क्या? तो ये सब फेक स्टोरी अंजू किसी और को दे सकती है, हम जैसे शिक्षित और हम जैसे लोगों को नहीं दे सकती है। ये सब चूरन जो है ना वो कहीं और जाकर बांटे, हमारे पास ये सब चूरन नहीं चलेगा, हम लोगों के पास ये सब चूरन नहीं चलेगा। और जब तू मोहब्बत का रास रचा रही थी हरी चुनरिया और हरे पहाड़ में, तब तुझे बच्चा नहीं याद आया और अब अचानक से तुझे बच्चा याद आ गया है। और जब तुझे बच्चा लेकर जाना है तो ये रसगुल्ला और मैं इसका नाम बार बार भूल जाती हूँ, नसरुल्ला, ये रसगुल्ला और नसरुल्ला को तू क्यों बुलाना चाह रही है और क्या वजह है, क्या वजह है उसको क्यों बुलाना है? तू क्यों मीडिया के सामने खड़े होकर के कह रही है कि तुझे अब नसरुल्ला भी पाकिस्तान से कह रहा है कि मैं भी आऊंगा भारत। भारत क्या तेरे बाप का है? भारत आऊंगा, भारत के अनाथ आश्रम खोल कर बैठा है कि जिसका मुंह चाहेगा मुंह उठा करके चला आएगा और भारत उसको एक्सेप्ट कर लेगा? हम यहाँ पर बैठे नहीं है। सुनो, मैं तो पाकिस्तान को बता देना चाहती हूँ, तुम्हारा चैनल ना पाकिस्तान के लोग देखते हैं, मुझे पता है, मैं आंख में आंख डाल करके बता देना चाहती हूँ कि ये मौन व्रत की सरकार नहीं है बच्चों। जितने गूंगे बहरे पाकिस्तान के निठल्ले हैं ठगबाज, सबको मैं चेतावनी दे रही हूँ कि ये मौन व्रत की और इटली की केतली और फिरंगी औरत की सरकार नहीं है कि अजमल कसब आएगा तो उसके ऊपर 30 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये मोदी जी की सरकार है, टांग चीर देंगे हम जैसे लोग ही उतर जाएंगे फिर मैदान में और उतर करके सीधा टांग चीरेंगे, जैसे मुर्गी का टांग चीरा जाता है ना चिकन तंदूरी बनाते वक्त, वैसा टांग चीरेंगे। भारत की शांति को भंग करने का अगर 0.1% भी पाकिस्तान ने ये सारी स्ट्रेटेजी बनाई है तो इसको अभी फोड़ दे, नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे, ये चेतावनी में पाकिस्तान को दे रही। थैंक यू मैम। तो कोई मैसेज हमारे क्रिकेट्स के लिए? मैं पूरे के पूरे राजस्थान को ये बोलना चाहती हूँ और सनातनियों को बोलना चाहती हूँ कि जाग जाइए, और हर एक सनातनी इस भारत का सना खान से सवाल करना स्टार्ट करे कि भारत में क्या कोई मौलाना इस काबिल नहीं था कि अपने बेटे का नाम उस पर रखा जा सकता था? पाकिस्तान के तारिक जमील से सना खान का क्या संपर्क है, क्या संबंध है, क्या फायदा है, ये उनको क्लैरिफिकेशन या तो वो शराफत से सोशल मीडिया पर दे दें और नहीं तो मैं सर्वोच्च न्यायपालिका तो बुला ही लूं। थैंक यू मैम, हम आपके साथ हैं, मेरे क्रिकेट्स भी आपके साथ हैं, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लोगों को जगाएंगे। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया कीमती, थैंक यू, लव यू। मातरम, भारत माता की जय। लव यू टू तुमको भी और तुम्हारे तमाम किटकैट्स को भी।